हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ अमोल चौहान एंड आई एम हियर टू टीच यू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट। ओके, लास्ट सेशन में हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम, और उसमें हमने देखा कि हाउ टू यूज इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। ओके, तो आज हम सेम इक्वेशन पे ही प्रॉब्लम लेने वाले हैं। अर्लियर क्वेश्चन में द मोशन वॉज अपवर्ड, तो वाई वॉज पॉजिटिव। आज हम लेंगे वहाँ पे वाई नेगेटिव आने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दिख रहा है। ओके, बॉल इज शॉर्ट, मतलब प्रोजेक्टेड विद द अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अल्फा लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ओके, उसके बाद देखो उन्होंने क्या कहा है, विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू दिया है आपको, ठीक है, विच इज 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, कॉट बाय फील्डर एट अ हाइट ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, सो डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन बैट्समैन एंड द बॉलर। अब यहाँ देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये दो डिस्टेंस हमारे पास है 1.8 मीटर और बाद में दिया है 0.6 मीटर, ठीक है। ये क्या है, हाइट है, दोनों भी क्या है, हाइट है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस है। आप देख सकते हो हाइट हाइट मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो एक जगह पे हम क्या करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल ले लेता हूँ, ओके, ठीक है, ये दिस इज माई ग्राउंड लेवल, ओके, सो दिस इज 1.8 मीटर एंड दिस इज 0.6 मीटर, ठीक है। अब आपका जो पार्टिकल है, ओके, पार्टिकल तो मतलब जो क्रिकेट बॉल है, इट इज़ शॉट बाय बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब यहाँ से उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, विच इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल, इट इज़ मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है वो, तो विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्रीज, ओके, 30 डिग्रीज। सो ये बॉल यहाँ से स्टार्ट होगा मूव करने के लिए एंड इट रीचेस, लेट इट बी दिस पॉइंट इज ए और ये पॉइंट हम बी लेते हैं जहाँ पे फील्डर उस बॉल को पकड़ता है। तो ये जो मोशन है आप देख सकते हो, दिस मोशन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे जाके देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो मोशन इज फ्रॉम ए टू बी, मोशन इज फ्रॉम ए टू बी, और आप देख सकते हो ए ऊपर है बी नीचे, मतलब यू आर गोइंग डाउन, ओके, सो दिस मोशन इज डाउनवर्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन अगर आप रेफर करोगे तो मोशन ए टू बी था बट वो अपवर्ड था 600 मीटर। अब यहाँ पे देखो, इफ आई यू नो 1.8 माइनस 0.6 कर देते हैं तो ये 1.2 मीटर का डिस्टेंस बनता है। यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस मैं लेता हूँ, यहाँ से सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इफ आई टेक अ डिस्टेंस, सो ये बनेगा मेरा 1.8 माइनस 0.6, 1.8 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ओके, ये ध्यान में रखना है। सो वाई इज 1.2 मीटर और डाउनवर्ड है मेरा, वाई इज 1.2 और डाउनवर्ड, सो माइनस 1.2 मीटर, ओके, ठीक है, तो ये ध्यान में आ गया आपको। तो अब इक्वेशन में देखो, y मुझे मिला है, x हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। आप देखो यहाँ पे, सो दे आस्क फॉर व्हाट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द बैट्समैन एंड द फील्डर, बैट्समैन और फील्डर के बीच का डिस्टेंस उन्होंने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये x निकालना है हमें, तो x यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा x तो और यहाँ तक, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। y लिखूंगा माइनस 1.2 इज इक्वल टू x tan अल्फा, तो x निकालना है हमें, तो x tan अल्फा मुझे पता है 30, ओके, माइनस ये एक टर्म हो गया मेरा, माइनस जी एक्स स्क्वायर, सो g इज 9.81 और x मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, सो 2 इंटू यू कितना है मेरा, सो 18 इंटू cos स्क्वायर अल्फा, सो cos 30, अल्फा इज 30, सो द स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यू कैन से हियर एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट, सो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी देयर दैट हैज़ टू बी सॉल्व बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ पे देखो मैं रीअरेंज कर देता हूँ टर्म, पहले उसके वैल्यूज निकाल लेता हूँ, टेन 30 इज इक्वल टू 0.577, ओके, सो माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.577x माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम,
तो देखो अब यहाँ पे 9.81 डिवाइड बाय 2, ओके डिवाइड बाय 18, 2u² है, सो 18 जा स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, सो डिवाइड बाय 18 जा स्क्वायर, ओके डिवाइड बाय कॉस 30 जा स्क्वायर, डिवाइड बाय कॉस 30 ज स्क्वायर, सो 0.02 2x² ओके सो दिस इज द इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस. ओके सो दिस इज द इक्वेशन. नाउ आई विल मेक अ यूनिफॉर्म इक्वेशन x² x एंड द कॉन्स्टेंट. तो यहां पे मिलेगा मेरा 0.02 x² ओके प्लस होगा, ये बनेगा मेरा -0.577x और ये जो है दिस विल रिमेन माइनस ओनली -1.2 इज इक्वल टू जीरो. देखो सब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो ये आएगा तो प्लस होगा, ये आएगा तो माइनस होगा, दिस विल रिमेन एज इट इज. सो दिस इज माय इक्वेशन एंड इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके अब हम क्या करेंगे, विल यूज अ कैलकुलेटर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक. गो टू द इक्वेशन मोड, पॉलिनोमियल है और सेकेंड डिग्री इक्वेशन है. सो नाउ हियर मेरा x का जो टर्म है दैट इज 0.02, आप अपना इक्वेशन देख लो. सो एक्स स्क्वायर के साथ है 0.02, ओके सॉरी एग्जीक्यूट. उसके बाद मेरा x के साथ जो टर्म है दैट इज 0.577 विद द नेगेटिव साइन -0.577, और उसके बाद मेरा कांस्टेंट आता है विच इज -1.2 विच इज -1.2 एग्जीक्यूट. सो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो दो वैल्यूज मिलेंगे मुझे एक्स के, एक 30.798 बन रहा है, 30.798, सो एक्स इज इक्वल, और दूसरा वैल्यू जो आ रहा है ठीक है इट इज -1.948 ओके. तो देखो माइनस वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस वैल्यू, वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 30.798 मीटर. ओके सो दिस इज माई फाइनल आंसर, 30.798. ओके सो एक बार फिर से क्वेश्चन क्विकली रिवाइज कर देते हैं, हमने क्या क्या किया. देखो पहले क्वेश्चन रीड किया, उसमें से हमने गिवन डेटा लिया ठीक है, और वाई स्पेशली वाई पे आपको ध्यान देना है ठीक है. तो मोशन देखो ए टू बी है एंड दैट इज अ डाउनवर्ड मोशन, तो यहाँ पे 1.8 है, यहाँ पे 0.6 है, तो उनका अगर डिफरेंस निकालते इट बिकम्स 1.2 मीटर ठीक है. तो डाउनवर्ड होने की वजह से हमने यहाँ पे माइनस लिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है. एंड देन वी यूज दिस फॉर्मूला लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें वैल्यूज पुट अप कर दिए, सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ठीक है. तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिले, उसमें से नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर नहीं करने वाले, वी आर गोइंग विद द पॉजिटिव वैल्यू ओनली ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है. बट इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10, दे ऑल आर सेम. सिर्फ यहाँ पे क्या है, 1.8 के जगह पे 2 है दोनों के जगह पे ठीक है. एंगल चेंज यहाँ पे 45, यहाँ पे 30 है, सेम है. और वेलोसिटी 18 के जगह पे यहाँ पे 25 है ठीक है. और फिर से डिस्टेंस 0.6 मीटर. सो क्वेश्चन इज सेम. अब मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन विथ अ स्मॉल चेंज इन द वैल्यूज दे हैव आस्क्ड 3 times इन द SPPU, May 14, December 15, December 16. सो 4 marks बहुत ही ईजिली आपको मिल सकते हैं ठीक है. सिर्फ एक इक्वेशन आपको अच्छे से करना है ठीक है. तो आशा करता हूँ, देखो पहले क्वेश्चन में हमने वर्टिकल ए टू बी अपवर्ड मोशन देखा, सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा कि ए टू बी डाउनवर्ड मोशन. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियोस हेल्पफुल भी रहेंगे फॉर योर स्टडी पर्पस. अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ओके. एंड प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच.